तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एक ही ग्राफिक में। अभी हम लोग की कोरलड्रॉ की बेसिक सीरीज चल रही है और बेसिक सीरीज खत्म होने के बाद इसकी एडवांस सीरीज भी आएगी। तो अब तक हम लोगों ने कुछ टूल बार हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था रेक्टेंगल टूल एंड इलिप्स टूल के बारे में। अगर आप लोगों ने इन दो टूल बार की क्लास अगर नहीं देखी है तो आप लोग को ऊपर लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग पिछली क्लास ज़रूर देखें। एंड आज की क्लास पॉलीगॉन टूल के ऊपर है, ये भी ड्राइंग टूल है। एंड पॉलीगॉन टूल में मैं आप लोग को तीन टूल बार बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण मैंने इसका पार्ट वन आज रखा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में मैं आप लोग को पॉलीगॉन टूल पूरा कवर कर दूंगा। और अब तक आप लोगों ने कोरलड्रॉ की क्लासेस पिछली नहीं देखी हैं तो ऊपर आप लोगों को प्लेलिस्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, आप लोग काइंडली चैनल पे वापस जाएं और वन बाय वन करके सारी क्लासेस देखें। एंड वीडियो में और अगर आप लोग को कोई भी आपके सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो जो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। एंड तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टूल बार में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अब तक हम ये तीन टूल जो ड्राइंग टूल हमारे हैं हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब तक हमने दो की प्रैक्टिस कर ली है, रेक्टेंगल टूल की एंड एलिप्स टूल की। आप लोगों ने इसकी क्लास अगर नहीं देखी है तो आप लोग को ऊपर लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग क्लास ज़रूर देखें। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पॉलीगॉन टूल के ऊपर। तो पॉलीगॉन टूल हमारा ये रहा, मैं जैसे ही इस पर अपना माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको और भी टूल्स आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। तो आज हम ये तीन टूल कवर करने वाले हैं, पॉलीगॉन स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार। तो आप देख सकते हैं पॉलीगॉन टूल ये हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे है और इसकी शॉर्टकट की वाई है। एंड आप कीबोर्ड से वाई बटन प्रेस करके पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपने माउस से भी आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोग को नज़र आ रही होंगी। ये साइड है, ये पॉइंट ऑफ साइड होता है कि आप जो पॉलीगॉन टूल या फिर आप ड्रॉ करते हैं तो वो कितनी साइड उसके रखना चाह रहे हैं आप। और यहाँ से आप उसका अपने आउटलाइन का यहाँ से आप वेट यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी सेम है जो अब तक हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल और इलिप्स टूल के अंदर पढ़ी थी। तो मैं जैसे ही अपना पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करके अपना पॉलीगॉन इस तरीके से क्रिएट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमने एक पॉलीगॉन अपना ड्रॉ कर लिया है। और इसकी साइड अभी आप देख सकते हैं फाइव है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ फाइव यहाँ पे क्रिएट किया गया हुआ है। तो यहाँ से आप इसकी साइड को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आप ऑब्जेक्ट बनाने से पहले भी यहाँ से इसकी साइड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आइए मैं इसको करता हूँ डीसेलेक्ट एंड मैं दोबारा यहाँ से पॉलीगॉन टूल अपना करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ 6। एंड अब अगर मैं पॉलीगॉन टूल ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा पॉलीगॉन टूल 6 साइड में ड्रॉ हो गया है। आप इसकी वैल्यू को इस तरीके से यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं जितना मर्जी आप चाहें और यहाँ से घटा भी सकते हैं। एंड यहाँ से आप अपने पॉलीगॉन टूल के आउटलाइन का वेट आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट हो अगर आउटलाइन की वेट बढ़ाने की तो ही आप बढ़ाएं वरना रहने दें। तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ इस तरीके से। एंड इसको मैं यहाँ से करता हूँ इसकी वैल्यू को 10 कर लेता हूँ। और आप पॉलीगॉन टूल की हेल्प से बहुत सारे बेसिक से शेप क्रिएट करके और बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटिव डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले जाना होगा शेप टूल पे। तो वो सब हम कैसे करेंगे, तो चलते हैं पहले शेप टूल पे। मैं यहाँ से करता हूँ शेप टूल को सिलेक्ट एंड अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप लोग को बहुत सारे ब्लू कलर के छोटे छोटे नोड्स से आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे से आप लोग को नोड नज़र आ रहे हैं ये इस तरीके से, ये तो ये हमारे नोड हैं। तो इस पर हम कैसे काम करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अपना शेप टूल सेलेक्ट कर लिया एंड अब मैं अगर किसी भी नोड को पकड़ के अंदर की तरफ अगर ड्रैग करता हूँ तो मेरा शेप जो है इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है। तो आप शेप टूल की हेल्प से अपने पॉलीगॉन टूल को यूज़ करके बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप और बहुत ही अच्छे क्रिएटिव डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अगर मैं इस
पॉइंट को अंदर की तरफ पकड़ कर ड्रैग करता हूँ तो मेरा शेप इस तरीके से कन्वर्ट होगा। एंड अगर बाहर की तरफ मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ डिफरेंट टाइप से मेरा शेप बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के लिए आप इसको सेलेक्ट रखें एंड यहाँ से अपना माउस का लेफ्ट बटन आप क्लिक करें किसी भी कलर पैलेट के ऊपर, तो वो कलर ऑटोमेटिक इसके अंदर सेंटर टू फिल हो जाएगा। एंड आप इसके नोड को अंदर और बाहर की तरफ पकड़ के इस तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट आप शेप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपके सामने डिज़ाइन बनना शुरू हो रहा है। आप अगर बाहर करते हैं तो बाहर के नोड में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, और आप अगर आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये अंदर की तरफ इसके नोड में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। तो अब अगर मैं अगेन यहाँ से शेप टू लेता हूँ और अगर आप इसको अंदर की तरफ राउंड करना शुरू करें तो आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनने लगा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। एंड अगर आप इसको जितना ही अब इसको राउंड करते जाएंगे अंदर या बाहर की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट आपके डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप इसको बाहर की तरफ राउंड करना शुरू करें तो कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन बनेगा। एंड जितना आप इसको रोटेट करेंगे उतना ही ये आपको अलग डिज़ाइन आप लोग के सामने निखर कर आएगा। एंड अगर आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये डिफरेंट डिज़ाइन आपका बनना इस तरीके से शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉलीगॉन टूल आपको समझ में आया होगा। एंड अगला हमारा क्या है, इसी के अंदर हमारा है स्टार टूल। तो जैसे मैं स्टार टूल पे क्लिक करता हूँ, अगर आप चाहें तो शिफ्ट के साथ वाई बटन प्रेस रखेंगे तो भी आप स्टार टूल अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार टूल पे सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको करता हूँ इस तरीके से क्रिएट। अभी मेरा स्टार टूल आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया है, और यहाँ से इसकी पॉइंट ऑफ साइट 5 है। आप यहाँ से इसकी साइड को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। मैं कलर को फिल कर लेता हूँ एंड यहाँ से आप वैल्यू को इसकी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। आप मैनुअली टाइप करके भी यहाँ से अपनी वैल्यू को इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं इसकी साइड को। एंड ये हमारा क्या है, ये डीपनेस है, इसको शार्पनेस भी कह सकते हैं। इसमें ये किस तरीके से वर्क करता है, अगर आप इसकी वैल्यू को ऊपर की तरफ बढ़ाना शुरू करें तो अंदर की तरफ इसकी डीपनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। एंड इसको अगर आप शार्पनेस को इसकी कम करें तो जो इसकी शार्पनेस है वो बाहर की तरफ कम होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ से इसका आउटलाइन का वही वेट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, रिक्वायरमेंट हो तो ही आप आउटलाइन क्रिएट कीजिए वरना आप लोग ना करें, इसको हर लाइन पे इसको ले रहने दें। एंड इसकी मदद से भी हम कुछ क्रिएटिव शेप बना सकते हैं। तो मैं चलते हैं शेप टूल की तरफ, मैं शेप टूल पे आता हूँ तो इसके सामने आपके सामने भी देखो कुछ नोड नज़र आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप इस शेप की हेल्प से आप अंदर की तरफ इसकी डीपनेस को बढ़ा सकते हैं और बाहर की तरफ करें तो डीपनेस आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। बट आप लोग इसको पॉलीगॉन टूल की तरह इसको राउंड नहीं कर सकते, जैसे हम पॉलीगॉन टूल में राउंड कर पा रहे थे वो फैसिलिटी इस टूल के अंदर नहीं है। उसके लिए आप लोग को पॉलीगॉन टूल के अंदर ही आप लोग को जाना होगा। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसकी डीपनेस को कम और ज़्यादा करके कुछ अच्छा शेप आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। और ये नोड अब बाहर की तरफ वर्क नहीं करता, आप देख सकते हैं ना ही ये राउंड होता है। बस इस आप इस शेप को इसकी डीपनेस को यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये काम आप शेप टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी में जाके भी इसकी डीपनेस को इस तरीके से कम और ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड जो अगला हमारा टूल है वो है इसके अंदर, इसी के अंदर है, वो है कॉम्प्लेक्स स्टार टूल। कॉम्प्लेक्स स्टार टूल में जैसे ही ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी 9 साइड है, इसके अंदर हमने ड्रॉ कर रखी है। आप कोई भी शेप बनाने से पहले आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। एंड इसके अंदर भी चलिए कोई कलर फिल कर लेते हैं, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ इसके अंदर। एंड यहाँ से वही आप साइड इसकी आप घटा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ से आप इसके शार्पनेस के इफ़ेक्ट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ 4 ही इसके अंदर स्टेप हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारा इफ़ेक्ट नंबर 2 सेलेक्ट है, आप यहाँ से 3rd एंड 4th, सिर्फ 4 स्टेप इसके अंदर है। आप 4 स्टेप को यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल से आप इसके अंदर डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं। एंड वो बाकी और डिफरेंट आपको डिज़ाइन बनाने के लिए आप लोग को चलना होगा शेप टूल में। तो चलते हैं शेप टूल की तरफ, मैं यहाँ से शेप टूल करता हूँ सेलेक्ट। एंड अगर आप इसके नोड को बाहर की तरफ पकड़ के इस तरीके से करें तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन आपका बनना शुरू हो रहा है। एंड अंदर की तरफ अगर आप लोग करते हैं लाइक दिस तो कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन आप लोग के सामने नजर आएगा आप लोग को। एंड जितना इसको आप घुमाएंगे तो आपको डिफरेंट डिज़ाइन आप लोग को देखने को मिलेगा पॉलीगॉन टूल के अंदर और स्टार कॉम्प्लेक्स टूल के अंदर। आप लोग इसको रोटेट कर सकते हैं, इसकी आकृतियों को आप चेंज कर सकते हैं, इसके साइड को आप चेंज कर सकते हैं,
और अपने क्रिएटिव आइडिया के साथ आप बेसिक शेप से खेलकर बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस नोड को बाहर की तरफ खींचें तो कुछ अलग डिजाइन आप लोग के सामने नज़र आएगा। तो आप लोग इस तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोग डिजाइन बना सकते हैं इसके अंदर, बहुत ही क्रिएटिव से इस तरीके से। एंड कुछ भी आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं सेंटर टू फिल करके। एंड यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये सब बहुत बेसिक शेप हैं। आप इन बेसिक शेप्स के साथ खेल कर बहुत ही क्रिएटिव आइडिया के साथ आप लोग बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अभी मैं आप लोग को इसके अंदर एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी लेने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट करा लेफ्ट बटन से, एंड यहाँ लाके माउस का मैं राइट बटन या फिर अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कर दूंगा इस तरीके से, तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं जैसे ही शेप टूल को यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट, तो मैं किसी भी अगर एक नोड को पकड़ के अगर इस तरीके से घटा बढ़ा या फिर राउंड कर रहा हूँ कुछ भी इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी अगर एक नोड को पकड़ के इस तरीके से राउंड करूँ या फिर कुछ भी करूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी हो क्या रहा है कि मैं किसी एक नोड को पकड़ के इसके अंदर मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा शेप का जो है नोड्स के साथ पूरे शेप में चेंजेस हो रहे हैं और इसकी पूरी आकृति चेंज हो रही है, प्लस साथ ही मेरा डिज़ाइन भी मेरा अच्छा खासा बन रहा है। बट समटाइम्स हम लोगों को ये होता है कि यार अगर हमें किसी पर्टिकुलर किसी एक नोड को पकड़ के अगर उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा मैं इस वाले ऑब्जेक्ट पे आपको समझाना चाहूँगा। तो इसको हम पहले करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से लेते हैं शेप टूल। तो अभी देख सकते हैं कि अगर मैं मान लो इस नोड को पकड़ के इसके अंदर मूवमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पूरे नोड्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और ये पूरा मेरा शेप जो है चेंज हो रहा है। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर सिर्फ इस वाले नोड के अंदर मैं चेंजेस लाने को चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से करना होगा अपना पिक टूल सेलेक्ट और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को करना होगा सेलेक्ट। और अगर आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टी बार में अगर आप यहाँ हैं तो देख सकते हैं कि सबसे सेकंड लास्ट पे हमारा है कन्वर्ट टू कर्व। और अगर आप लोग को ये ऑप्शन यहाँ ना नज़र आए तो आप लोग क्या करें, सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रहते हुए माउस से राइट बटन क्लिक करें और यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पर आपको नज़र आ जाएगा कन्वर्ट टू कर्व। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये आपको आपके ऑब्जेक्ट को कर्व करके दे देगा। अब अगर इसमें अगर आप शेप टूल लेके अब किसी भी एक नोड को अगर पकड़ के जिधर मर्जी वहाँ मूव करेंगे तो सिर्फ उस कस्टम नोड पे ही उसकी वैल्यू में चेंजेस होंगे और किसी और पॉइंट से इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। कि जैसा आप देख सकते हैं कि हम इस नोड पे हम लोग कर रहे थे अगर हम यहाँ से कोई भी शेप टूल से नोड पकड़ के हम कुछ चेंजेस कर रहे थे या फिर राउंड कर रहे थे तो पूरे शेप में जो है चेंजेस हो रहे थे। बट इसमें क्या है कि अगर आप इस पे रह के और शेप टूल से करेंगे तो पर्टिकुलर आप लोग का सिर्फ वही कस्टम शेप जो है चेंज होगा जो आप चेंज करना इसके अंदर चाह रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी और ये कुछ डिज़ाइंस जो हमने कस्टम तरीके से बनाए हैं और बेसिक शेप्स के साथ हमने खेल के जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया ये आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से लर्न करें और सीखें और बेसिक शेप के साथ आप खेल कर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएं। तो आप लोग को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने आज की क्लास से क्या सीखा और वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो बहुत जल्द इस पार्ट टू में इसकी और टूल हम सीखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप लोगों के कुछ भी सवाल हो या फिर आप लोगों ने आज की क्लास में कुछ भी अगर आप लोगों ने नया सीखा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं। एंड इसका पार्ट टू बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय।